और पांच वाले लोग आ गए ये. यू हेट देम और यू लव देम बट यू कैन नॉट इग्नोर देम. आप प्यार करो, आप नफरत करो इन लोगों से, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट आप इनको नोटिस ना करो, पॉसिबल ही नहीं है. आपको कोई कैसे नोटिस नहीं करेगा. आ गए ये लोग, जहां जाएंगे छा जाएंगे. एक्चुअली में लोग इनको नोटिस करते हैं, इनकी बातों को नोटिस करते हैं. वट एवर, चाहे जो मर्जी हो जाए, बट आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो. बड़बोले होते हैं थोड़े से, लेकिन अगर इनका नेम नंबर करेक्ट है ना, तो बड़बोलापन भी अच्छा लगता है. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग. मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, आवास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट. और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 5 के बारे में. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन लोगों का ड्राइवर नंबर 9 होता है. जो लोग किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को पैदा होते हैं, वो ड्राइवर नंबर 9 वाले होते हैं. और अगर किसी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया जाए और सम टोटल 5 आए, तो कंडक्टर नंबर 5 हो गया. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 18th जून 1988 को आता है, तो उसका पूरा सम टोटल कर दो उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का, क्या आएगा? 5. तो कंडक्टर नंबर 5 हो गया. और 18 तारीख को पैदा हुआ है, इसलिए ड्राइवर नंबर 9 तो है ही. तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं ये लोग जिनका ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 5 होता है. जब भी ड्राइवर नंबर 9 की बात आती है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन लोगों में अबंडेंस ऑफ एनर्जी होती है. अबंडेंस ऑफ एनर्जी, बहुत बहुत एक्सेसिव ह्यूज एनर्जी के मालिक होते हैं ये लोग 9 नंबर वाले. 9 नंबर, जब भी बात आती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की, तो मैं बात करती हूँ 9 नंबर की, कि ये ह्यूमैनिटी का नंबर है. ये नंबर अपने लिए नहीं, अपने आसपास अपने लोगों के बारे में सोचता है. ये नंबर बेसिकली अगर कोई परेशान है, दुखी है, तो उसको सिंपैथी दिखाने में बिलीव नहीं करता, बल्कि भाग कर जाकर उसकी मदद करने में बिलीव करता है. तो ड्राइवर नंबर 9 को जब साथ मिल गया 5 नंबर का, 5 नंबर इंटेलिजेंस का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, तो ऐसे लोग बहुत ही जबरदस्त होते हैं किसी भी तरह के बिजनेस में. बिजनेस में इनफैक्ट अगर ये लोग ऐसा कोई काम करें या ऐसा कोई भी बिजनेस करें जहां पर ये लोगों की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद कर पाए, तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपने फील्ड में. 9 और 5 वाले, ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं. इनका व्यक्तित्व एक स्ट्रांग व्यक्तित्व कहा जा सकता है. ये एक बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोएक्टिव बिजनेसमैन. प्रोएक्टिव मतलब भांप लेते हैं आगे की बातों को, आगे की सिचुएशंस को पहले से पहले ही. तो ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, बहुत अच्छे. इनफैक्ट किसी भी चीज़ के बारे में, कहीं पर भी कोई भी काम करें, इनके लिए, इनके दिमाग में हमेशा बिजनेस चलता है, हमेशा प्रॉफिट मेकिंग चलती है. जैसे कि अक्षय कुमार, ड्राइवर नंबर 9, कंडक्टर नंबर 5 है. अगर हम बात करें बाय प्रोफेशन ही इज एन एक्टर, लेकिन अगर आप उसको माइन्यूटली देखेंगे तो ही इज अ बिजनेसमैन. साल में 5 मूवीज करनी है, साल में 6 मूवीज करनी है, पैसा कमाना है, बिजनेस करना है बेसिकली. तो ये लोगों के दिमाग में जो भी ये काम करें, बैक ऑफ द माइंड प्रॉफिट मेकिंग चलती है. ये लोग कोई भी काम करें, छोटा या बड़ा, बट दे जस्ट पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू देयर वर्क, और अपनी पूरी जी जान लगाकर, मेहनत लगाकर काम करते हैं. इसी वजह से मैंने कहा ना कि कोई भी काम करें, ये सफल, इनके सफल होने के चांसेस 100% है. अगर ये कोई काम करें, कोई बिजनेस करें, इनके सफल होने के 100% है, इरिस्पेक्टिव. इनका नेम नंबर करेक्ट होना चाहिए. इनका दिमाग आइडिया जनरेटिंग मशीन बोल सकती हूँ मैं. इतने गजब के आइडियाज आते हैं, इतने जबरदस्त आइडियाज आते हैं हर टाइम. दिमाग में कुछ इनोवेशन चलती रहती है, कुछ नए आइडियाज चलते रहते हैं. इतनी गजब की अबंडेंस ऑफ एनर्जी होती है इनके पास, जो कि इनके दिमाग में वो आइडियाज लेकर आती है. दुनिया से अलग हटके सोचने की पावर, दुनिया से अलग हटकर सोचने की वो जो एक गॉड गिफ्टेड पावर है इनके पास, उसका तो क्या ही कहना. ये आपको नए इन्वेंशंस की, नई चीजों की, नई सोच की बात करते हुए दिखाई देंगे हमेशा. तो यहां पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, अगर आप ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 5 के हैं, तो प्लीज अपना नेम नंबर जरूर से जरूर सिंक कराइए. क्योंकि अगर आपका नेम नंबर सिंक नहीं है, तो ये जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है ना, वो वेस्ट चली जाएगी. एक्सेस ऑफ एनर्जी जो आपको परमात्मा ने दी है, ये इसको वेस्ट मत कीजिए, यूटिलाइज इट. जब मैं बात करती हूँ ना नंबर 9 की, तो नंबर 9 वाले लोग ना अड़ियल होते हैं. एक्चुअली में अड़ियल होते हैं. इनको आप
मुश्किलों से डरा नहीं सकते, डर और नंबर 9 एक साथ एक बॉक्स में फिट नहीं होते हैं। ये लोग बहुत ही अड़ियल जिद्दी किस्म के होते हैं, क्योंकि 9 नंबर है ना, अड़ियल है, जिद्दी है, गुस्सैल है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद वो जो ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर इनमें, लोगों की मदद करना, अपने लोगों के लिए करना, अपने लोगों के लिए सोचना, वो सब ओवरशैडो कर देता है इनके सारे गुस्से को, इनके सारे अड़ियलपन को, जिद्दीपन को, इन सब को वो ओवरशैडो कर जाती है इनकी केयर। और वो जो केयर है वो ट्रू केयर है। इट इज़ नॉट दैट कि आपके पास आकर बैठ जाएंगे और बोलेंगे हाँ हाँ तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। नहीं, अगर ये आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे और आपको ये अपना मानते हैं तो ये जी जान लगा देंगे, एक्चुअली में ये जी जान लगा देंगे आपकी हेल्प करने के लिए। ये अपने आप का ना सोचते हुए अपने साथ में जो अपने जिन लोगों को ये अपना मानते हैं उन लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, लिटरली में दे आर रियल। अगर आपको ऐसा इंसान मिलता है जो ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 5 वाला है तो प्लीज़ उससे दोस्ती कर लीजिए, हमेशा फ़ायदे में रहोगे, हमेशा हमेशा, ये मेरी गारंटी है। मैं इसको आपको रिटर्न मतलब स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे सकती हूँ कि अगर आपने ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 5 वाले से दोस्ती कर ली तो ऐसे लोग बहुत ही कमाल के दोस्त साबित होते हैं। ऐसे लोग अगर आपको मन से अपना मानते हैं ना तो ये आपके लिए कुछ भी कर देंगे, कुछ भी, लिटरली में। और इनकी एडवाइस, इनके सजेशंस बहुत पावरफुल होंगे। और इनफैक्ट इन लोगों के लिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर ये अपने दुश्मन को भी एडवाइस देकर आएंगे ना तो उसका भी फायदा हो जाएगा। ऐसे लोगों की एडवाइस बहुत कमाल की होती है, क्योंकि जिस टाइम ये एडवाइस देने पर आते हैं, सजेशन देने पर आते हैं, उस टाइम ये अपना प्रॉफिट मोटिव देख कर या अपने अपने बारे में सोच कर एडवाइस नहीं देते। जब ये अपने में आते हैं ना और एडवाइस देने में आते हैं तो ये सामने वाले के भले के लिए उसको जो भी बताते हैं वो सामने वाले के भले के लिए बताते हैं। 9 नंबर है ना, ये कर ही नहीं पाते हैं कि मैं अपना सोचूं और सामने वाले का नुकसान करा दूं, किसी भी हालत में ये सामने वाले का नुकसान नहीं कराएंगे, ये 9 नंबर है। साथ में अगर मैं बात करूं 9 नंबर की अबंडेंस ऑफ एनर्जी का, तो ऑब्वियसली बात है बहुत अबंडेंस ऑफ एनर्जी है, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ कि 9 नंबर वाले सोल्जर होते हैं। सोल्जर का मतलब समझते हैं ना आप, 9 नंबर वाले सोल्जर हैं। अगर सामने वाले दुश्मन को मार रहे हैं और किसके लिए मार रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए जिनको वो अपना मानते हैं, अपने देश के लिए अपनी जान भी लगा देंगे। जहां सामने वाले को मार रहे हैं वहीं पर अगर अपना साथी बीच में फंस गया है तो अपनी जान पर खेल कर उस साथी को बचाने का बूता भी रखते हैं। लेकिन 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 इसीलिए बोलती हूँ इन लोगों से दुश्मनी नहीं लेनी, जो ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 5 वाले लोग हैं इनसे दुश्मनी नहीं लेनी। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से मैं बोलूँ, इनके पास बात करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, लोग इनसे बात करना चाहते हैं, इनसे बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर इनका नेम नंबर करेक्ट नहीं होगा तो ये अननेसेसरली बहुत ज़्यादा बोलेंगे, लोग सोचेंगे कि यार क्या बिना बात की बातें किए जा रहा है, कब उठेगा कब जाएगा। तो अगर नेम नंबर करेक्ट नहीं है तो बातें बहुत सारी होंगी और बहुत ही बेकार की होंगी। लेकिन अगर नेम नंबर करेक्ट है तो ऐसे लोगों की बातें सुनने में, ऐसे लोगों के साथ बात करने में लोग अच्छा महसूस करेंगे और इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो इनके लिए हेल्पफुल होंगे और ये अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इनके लिए सबसे अच्छा, अगर ब्रेसलेट्स की बात करूं तो इनके लिए सबसे अच्छा ब्रेसलेट है रेड जेस्पर और मदर ऑफ वर्ल्स। अगर मदर ऑफ वर्ल्स पहनते हैं तो जो भी जो फेम जो चाहिए होता है एक इंसान को, जो नहीं मिल पाता एट टाइम्स 9 नंबर वाले को, डिस्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, जो फेम नहीं मिल पाता वो इनको मिलेगा अगर ये मदर ऑफ वर्ल्स का ब्रेसलेट पहनते हैं। साथ में अगर आपको लगता है कि इनका नेम नंबर करेक्ट नहीं है, या फिर अगर आप ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 5 के हैं और आपको लगता है आपका नेम नंबर करेक्ट नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप खुद से सीखें, खुद से जानें, क्योंकि आप में वो अबंडेंस ऑफ एनर्जी है कि आप अपना ही नहीं, आप अपनी पूरी सोसाइटी का भला कर सकते हैं। तो आप खुद से सीखिए कि किस तरह से नेम नंबर करेक्ट किया जा सकता है। मैंने पूरा पूरा अपनी पूरी जान लगाकर, अपना पूरा दिल लगाकर, अपना पूरा यहाँ पर जो भी था मेरा न्यूमरोलॉजी के लिए वो सब रिकॉर्ड कर दिया है कोर्स में, और अब वो कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस नंबर पर डायल करना है और आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, चाइनीज़ आइटम हैं, डुप्लीकेट हैं, ऐसी कहीं से भी नहीं खरीद लेना अगर आपको ब्रेसलेट्स खरीदने हैं। अगर आपको ब्रेसलेट्स खरीदने हैं तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर ब्रेसलेट्स खरीद सकते हैं। और अगर आपको पता है कि कहीं और से जहां से आपको
गारंटी है कि हाँ सही मिलेगा। अगर आपको पता है ऐसी कोई जगह तो आप वहां से खरीद, नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से खरीद सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इनके लकी नंबर्स के बारे में। तो इनके नंबर हैं लकी नंबर से नंबर 3 एंड नंबर 1। इनके लिए लकी कलर्स हैं येलो एंड रेड। और अगर बात करूं इनके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन के बारे में, तो इनके घर की सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो इनके लिए सबसे अच्छी रहेगी वो है ईस्ट जोन। तो अपने घर के ईस्ट जोन में हो सके तो थोड़ा टाइम जरूर बिताएं, हो सके तो वहां पर सोएं। अगर आप बेडरूम बना सके ईस्ट में तो अपना बहुत अच्छा है। साथ ही में अब बात करते हैं इनके प्रोफेशंस के बारे में, कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इनके सोल सैटिस्फाइंग प्रोफेशंस होंगे। ये डॉक्टर्स बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, अच्छे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स बन सकते हैं, रियल स्टेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करें बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियंस अनडाउटेडली, देश भक्ति कूट कूट के भरी हुई है इनमें, पैट्रियटिज्म बहुत ज्यादा है इनके अंदर, तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बनेंगे, अपना भी भला करेंगे और देश का भी भला करेंगे। लॉयर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे कोई भी ऐसा काम जो जैसे पुलिस का काम हो गया, जहां पर भी एक्शन की जरूरत है, जहां पर भी थोड़ा भाग दौड़ की जरूरत है, वहां पर वो कोई भी ऐसा काम करे जिसमें एक्सेस ऑफ एनर्जी की जरूरत है, बहुत अच्छा करेंगे उस काम को ये।